हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, दिस इज राबिया मंसूरी फ्रॉम रोजवुड पब्लिक स्कूल जैती। टुडेज डेट इज 6 मई 2020 एंड डे इज वेडनेसडे। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट। पोयम है हमारी फर्स्ट डे एट स्कूल। आज हम इस पोयम का एक्सप्लेनेशन समझेंगे और उसे पोयम को लर्न करेंगे। तो बच्चों, हमारी पोयम है आपकी फर्स्ट डे एट स्कूल, यानी स्कूल का पहला दिन। तो बच्चों, आप भी जब अपने स्कूल गए होंगे, आपके स्कूल का फर्स्ट डे जो था तो वो बहुत यादगार होता है हर बच्चे का। तो उसी तरह ये पोयम है, इस पोयम में ये बच्चा है जो सोचता है, जैसे स्टार्ट करते, I wonder if my drawing will be as good as theirs, यानी ये बच्चा सोचता है कि क्या मेरी जो drawing है वो भी उन अन्य बच्चों की तरह वैसी ही अच्छी होगी जैसे उनकी है, जैसी जो ये drawing मैंने बनाई है, जो मैंने कुछ बनाया है, वो बच्चों की तरह और स्कूल में जब मैं जाऊंगा तो क्या वो उन्हीं की तरह भी और भी बहुत अच्छी होगी। फिर है नेक्स्ट हमारा पैरा, आई वंडर इफ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स। वो फिर सोचता है, आई वंडर इफ दे विल लाइक मी, क्या वे सब बच्चे भी मुझे उसी तरह पसंद करेंगे, या मुझे अच्छी तरह पसंद करेंगे, या फिर मुझे सिर्फ घूरेंगे एक अजनबी की तरह। फिर नेक्स्ट पैरा देखते हैं, आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। फिर वो बच्चा सोचता है कि जो मेरी टीचर है क्या वो मेरी मम्मी की तरह दिखाई देती होगी, या फिर मेरी ग्रैंड माँ यानी दादी माँ की तरह। ग्रैंड यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो उसको हम बोलते हैं ग्रैंड माँ, यानी दादी माँ की तरह दिखेगी, या फिर मेरी मम्मी की तरह यानी मेरी मदर की तरह। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आई वंडर If my puppy will wonder there I am। फिर वो बच्चा सोचता है कि जब मैं यहाँ से स्कूल चले जाऊंगा तो जो मेरा पपी है क्या वो सोचेगा, क्या वो मुझे ढूंढेगा कि मैं कहाँ गया। तो फिर से बच्चों इस एक्सप्लेनेशन को दोबारा देखते हैं। फर्स्ट डे एट स्कूल, तो ये जो बच्चा है वो सोचता है कि पहले पैरे में सोचता है कि जो मेरी ड्राइंग है क्या वो मेरी अन्य बच्चों की तरह की ड्राइंग की तरह ही अच्छी होगी, बहुत अच्छी दिखेगी, या फिर नहीं। फिर वो सोचता है, आई वंडर इफ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स, क्या वो जो बच्चे हैं वो भी मुझे पसंद करेंगे या फिर सिर्फ मुझे घूरेंगे। आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड, और मैं क्या जो मेरी टीचर है वो क्या वो मेरी मदर की तरह दिखाई देती होगी, या फिर मेरी ग्रैंड मदर की तरह। आई वंडर इफ पपी विल वंडर वेयर आई एम, और क्या मेरा पपी ये सोचेगा, क्या वो मुझे मेरे स्कूल जाने के बाद ढूंढेगा कि मैं कहाँ गया। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी मीनिंग। अब देखिए, आज हमने कितने न्यू वर्ड्स पढ़े, ये नीचे न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, जरा हम इनको देखते हैं। नंबर फर्स्ट, वंडर, WONDER, वंडर मीन्स होता है बच्चों सोचना, ठीक है, इसका सिनोनियम थिंक है। अब देखिए नीचे है सेकंड, ड्राइंग, ड्राइंग मतलब कला करना, या फिर कोई कला जो आप बनाते हैं कुछ भी, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। नंबर सेकंड है, थर्ड है आपका स्टेयर्स, STAR ES, यानी स्टेयर्स मीन्स होता है घूरना, जब कुछ हम देखते हैं कोई नया अजनबी देखते हैं या फिर कोई भी चीज देखते हैं तो उसे देखना होगा, अपने लोग घूरते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं स्टेयर्स। नंबर सेकंड, नंबर फोर है हमारा देखिए ग्रैंड, GRAN, बच्चों ग्रैंड मतलब यहाँ इसका फुल फॉर्म है ग्रैंड माँ, ग्रैंड मदर यानी दादी माँ। फिर है हमारा पपी, PUPPY, पपी मीन्स होता है कुत्ते का बच्चा। तो बच्चों आज हमने 5 न्यू वर्ड सीखे और इस पोयम को लर्न किया, इस पोयम के मीनिंग को समझा। तो आपको आज ये पोयम लर्न करनी है घर पे और इसको पढ़ना है, ठीक है, और कल हम फिर मिलते हैं, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उन क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। जो आज आपको होमवर्क दिया गया है उसको अगर आपको इससे कुछ समझ आया तो उसे पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर के साथ।
थैंक यू।